नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ मोहम्मदाबाद गौराना तहसील के अंतर्गत थाना रानीपुर के तरफ उमती ग्राम सभा में। आपको बताते चलें कि ये मामला 2.5-3 महीने पुराना है और इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें जो है एक पुष्पा यादव जी हैं, जो पत्नी फतेह बहादुर जो है और ग्राम उमती तहसील मोहम्मदाबाद गौना की रहने वाली हैं। उमती के प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा मेरे आबादी सहन भूमि पर बने कर्टेन को मकान को घिरा कर नाला बनवाया जा रहा है और रोकने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इनके माध्यम से तमाम हर जगह प्रार्थना पत्र दिया गया है। राजस्व निरीक्षक के यहाँ दिया गया है, उसके बाद जो है श्रीमान पुलिस महानिदेशक के यहाँ दिया गया है, उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी के दिया गया है, श्रीमान DIG साहब को दिया गया है और SSP महोदय को दिया गया है, थाने में भी दिया गया है और तमाम ऐसे जगह हैं जो हर जगह दिया गया है। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला जो है उमती गाँव कहा और इनका पूरा मकान को ढा दिया गया। आपको दिखाते हैं, आपने सुना होगा, आजकल सुना होगा कि बिना नोटिस के ही मकान ढावा दिए जाते हैं और आपको बता दें कि अगर नोटिस भी मिलती है या बिना नोटिस के भी मकान जो है ढाते हैं तो प्रशासन के लोग ढाते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिना नोटिस के ही उमती गाँव में जो है मकान को ढावा दिया गया है और मकान को ढावाने के बाद यहाँ पर तमाम जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इतने लोग जो है लाठी डंडे लेकर के दबंगई से गुंडई से योगी आदित्यनाथ के सरकार में ये ढा दिए, जहां जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो रही है उत्तर प्रदेश में और बड़े बड़े माफियाओं के हाड़ कांप रहे हैं। ये उमती गांव में ये गुंडे माफिया जो है देख रहे हैं किस कदर जो है अपने लाठी डंडों से प्रधान के आदेश पर ये लोग ढा दे रहे हैं। और यहाँ पर मौके पर SO भी पहुँचे थे सरोज जी, तो वो भी बोले 2.5-3 महीना पहले कि भैया मैं आपकी मकान डलवा दूंगा, लेकिन कोई मकान मतलब ये नहीं हुआ। और देख रही है गुंडे प्रधान के कहने पर हर जगह ये महिला एप्लीकेशन दी है पुष्पा यादव जो है, लेकिन इसके कहने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मकान को ये लोग ढा दिए हैं। बताते चले कि आपको ये मकान तो ढा दिए हैं, आपको ये हर जगह ये दी है और इसमें किसका किसका नाम है आपको बता दें, लगभग ये 19/7/2022 का सुबह 6 बजे की घटना है। करीब दर्जनों की संख्या में दबंग प्रधान प्रति स्वतंत्र यादव ने अपने सहयोगी जगदीश, प्रमोद, विनोद, पुत्रगण सत्यदेव, अमल यादव पुत्र जगदीश यादव, पिंटू यादव पुत्र अमेरिका में, बाबू राम पुत्र जीवित, विजेंद्र यादव, श्याम सुंदर यादव पुत्रगण, रामवचन यादव, किशन व हरचरण पुत्रगण, सकल यादव, राम मिलन यादव पुत्र सुभाष यादव के साथ हमारे घर पर धावा बोल, उनके पुष्पा यादव जी लिखी हैं कि उनके घर पर धावा बोलकर आबादी और सहन की जमीन पर पक्की ईंट का मकान था, उसको 40 साल पुराना था, उस गैरेज था उसको भी ये लोग तोड़ दिए, कर्टेन का सेट था उसको भी छोड़ दिए, पशु चारा की मशीन थी उसको भी ये लोग तोड़ दिए और प्रभावित होकर दनग्रहण करते मनगढ़ प्रधानपति स्वतंत्र यादव ने ललकारते हुए JCB से अपने सहयोगियों के साथ मकान को नष्ट कर दिया। आपको बताते थे कि 4 मोटे मोटे पेड़ JCB से गिरवा दिया और JCB से भी गिरवा दिया, बिना परमिशन के जबरदस्ती नाला खनवा दिया, जिसकी वीडियोग्राफी भी हुई और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि प्रधान पति के भाई अमल यादव लाइसेंसी पिस्टल से जान से मारने की धमकी और महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां भी देने और सभी लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगे, कहा कि भाग जाओ नहीं तो इसी JCB से तुम लोगों को भी इसी नाले में खनवा कर तोड़ दूंगा, तुम लोगों को भी पता नहीं। आखिरकार शासन प्रशासन जो है ये क्या कर रहा है, आपको बता दें कि 100 नंबर की पुलिस भी मौके पहुँची थी और तमाम ऐसे अधिकारी को भी गुहार लगाई, लेकिन कोई भी मामला नहीं हुआ। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है उसमें तमाम ऐसे माफियाओं का, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो चाहे जो भी माफिया हो, उनका घर ढावा दिया गया है। आखिरकार शासन जो है ये डुग्गी बजा करके बेकायदे आपको जो है नोटिस भेज करके उसके बाद ढवाते हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं ये ग्राम सभा उमती का सीन है, तस्वीर है, तो उमती ये गाँव में जो है आपको बता दें कि उमती गाँव में ये जो लोग देख रहे हैं कि प्रशासन बिना शासन प्रशासन के आदेश के बावजूद ही बिना नोटिस के ये प्रधान और ये लोगों प्रधान लोगों की जो साथ हैं उनकी गुंडई के माध्यम से पुष्पा यादव का मकान ढवा दिया जाता है। आखिरकार ये लोग किसके आदेश से ये लोग मकान ढवाए हैं और कैसे ये लोग पूरा JCB से खनवा दिए हैं, सरकारी रोड भी इसमें खड़ंजा भी है। आपको बता दें कि कोई भी प्रधानपति या कोई भी हो सरकारी खड़ंजे को नहीं उखाड़ सकता है, खड़ंजा किसी की ज़मीन में लग भी सकती है लेकिन उखाड़ नहीं सकता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि ये JCB भी इसमें चल रही है और सुबह से लेकर के शाम तक JCB चली है और आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक जी को भी वहाँ पर दिया गया है लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। प्रधानपति स्वतंत्र यादव जो माफिया और दबंग किस्म के व्यक्ति हैं ये सुबह लगभग इतने ज़्यादा लोगों को लेकर पहुँचे थे वहाँ पर कि जो है
फिर उनके किसी के बात को सुने नहीं है और थानाध्यक्ष भी इसमें कुछ नहीं किए और बिना नोटिस क्या ही, अगर नोटिस मिलती भी है तो शासन प्रशासन के लोग बेकायदे वहाँ प्रशासन के लोग खड़े रहेंगे, SDM तहसीलदार खड़े रहेंगे, तब उनका मकान ढवाया जाएगा। लेकिन बिना शासन प्रशासन के आदेश के भी ये लोग मकान ढवा चुके हैं। आपको बता दें कि ये किसके परमिशन से किए हैं और कौन इनको आदेश दिया था। जहाँ योगी आदित्यनाथ के सरकार में ऐसे ऐसे गुंडे माफियाओं का दिवाला निकल जाता है, नाम सुनते ही उनकी जो है वो आदमी बन जाते हैं। और आपको बता दें कि ये अच्छे अच्छे लोगों को बुलडोजर चलने लगता है। जो लोग भी मकान तोड़वा रहे हैं, जो भी वीडियो कैमरे में कैद हुए हैं, जो लोग मकान तोड़वा रहे हैं, आखिरकार इनके ऊपर कब मुकदमा दर्ज होगा, कब ये लोग जेल जाएंगे और कब इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा, आप देखना। ये योगी आदित्यनाथ के सरकार में ये सरकार किसकी पक्ष लेती है, पुष्पा यादव का पक्ष लेती है कि पूरी जाँच करा करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है। आखिरकार मऊ के जो भी आला अधिकारी हैं, DM, SP, CO, जो भी SO साहब, जो भी अधिकारी हैं, ये लोग कहाँ सो रहे थे कि इतनी बड़ी घटना जो है हो गई और कोई भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार इनका लिंक कहाँ से है कि ये लोग इतना दबंगई कर रहे हैं, ये जो यादव जी हैं, स्वतंत्र यादव जी जो है, ये जो माफिया किस्म के आदमी हैं, ये इनका लिंक कहाँ तक है कि ये लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दबंग प्रधान प्रदीप उसके भाई जो है बताइए बंदूक लेकर के दौड़ा रहे, राजस्व अभिलेख में भी 51 में अंकित है जिसमें संविधान दिवस के प्रति उनको दिया गया था, नाले का निर्माण कराया था, लेकिन प्राथमिक 191 प्रधान प्रति द्वारा दबंगई से उनके नाले पर ढक तब्दील कर दिया गया। जिला सूचना 112 नंबर पर दी गई थी, जिला प्रशासन के लोग भी उल्टी प्राथमिक बंद कर दिए थे। आपको बता रहे हैं जब कार्रवाई ग्राम प्रधान प्रति और सभी विपक्षों को, अगर इनका मकान ढवाना ही था तो शासन प्रशासन के लोग नोटिस भेजते, बेकायदे पुलिस बल लेके जाते, वहाँ पर बेकायदे अलाउंसमेंट करते और मीडिया रहती साथ में, उसके बाद इन लोगों की कार्रवाई होती। अगर एक गलती थे इनकी आबाद की ज़मीन ये लोग कब्जा ही कर लिए थे तो इन लोगों को इनके ऊपर प्रशासन का दबाव पड़ता है। ये गुंडे माफियाओं का दबाव कब से पड़ने लगा है, क्या शासन के लोग गुंडे माफियाओं से ये लोग सलाह लेने लगे हैं कि इनको उपयोग करने लगे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह ये इनका जो है पूरा बेकायदे लाठी डंडों के साथ, और ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब लोग ईटा एक एक ईटा इधर उधर कर दिए, इनके सामानों को फैला दिए। आखिरकार ये कहाँ का इंसाफ है योगी आदित्यनाथ के सरकार में। और आपको बताते चलें, ये महिला हर जगह घूमती रही, यहाँ से DIG, DGP, SSP और DGP, मुख्यमंत्री जी के यहाँ हर जगह ये लोग घूमते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। लगभग 16/9/2000 मामला ये जो है आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आखिरकार हो नहीं रहा। अधिकारी सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं और कुछ इसमें हो नहीं रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर हर जगह चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई जा रही है, लेकिन ऐसे जो है प्रशासन ये काम कर रहा है, लेकिन ये गाँव के कुछ लोग, चंद गुंडे, दबंग किस्म के आदमी ये 29 गाँव में जो ये तूफान मचाएं, आखिरकार वहाँ के थाना अध्यक्ष क्या कर रहे थे, वहाँ की पूरी थाने की टीम क्या कर रही थी कि यहाँ पर ये लोग दबंगई से बुलडोजर लेकर के पिस्टल लेकर दौड़ा रहे हैं। आखिरकार योगी सरकार में कानून व्यवस्था कहाँ सोई हुई है, कहाँ क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे जो गरीब आदमी हैं, और आपको बता दें कि बेहद ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ये होमगार्ड भी हैं, रानीपुर थाने में जो है यादव जी। और बताइए ऐसे कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से JCB चलाया जा रहा है, जो इंटरलॉकिंग रोड है, सरकारी रोड है, इस पर भी JCB चलाया जा रही है। कहाँ का ये सरकार जो है अपने 50 लाख रुपये लगा करके JCB इंटरलॉकिंग रोड कराती है, लेकिन उसको भी तोड़वाने का हक नहीं है। आपको बता दें, देख लीजिए ये रोड वैसे ही जो है उखाड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि JCB द्वारा जो है कैसे कि ये JCB भी सीज होनी चाहिए और जितने लोग इसमें शामिल है सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सबको जेल भेज करके सबके ऊपर सरकार का जो गैंगस्टर और राशुका लगाने का प्रावधान है वो भी लगाना चाहिए। आप सुपरफास्ट न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, गुंडई जो है कितनी चरण सीमा पर गुंडई है यहाँ पर उमती गाँव में। आखिरकार योगी आदित्यनाथ के सरकार में गुंडई की इन लोगों की छूट दे दी गई है कि किसी का घर ढाने के लिए छूट दे दी गई है। आपको बताते चलें कि ये कोई आबादी में कोई एक घर ये नहीं बना हुआ, इस गांव में कम से कम 30 घर बने हुए हैं, ये बता रहे थे यादव जी कि 30 घर बने हुए हैं, सब लोग आबादी में ही है। आखिरकार ये लोग क्या दिक्कत है, प्रधान प्रति के साथ भी जो मतलब ये लोग थे, लेकिन अब ये प्रधान प्रति जो है क्या कर रहा है, उसको क्या है, क्या समस्या है, उसको अब ये जाँच के बाद ही पता चलेगा। आला अधिकारियों
के नॉलेज में आने के बाद इसकी जांच होगी बेकायदे, और उसके बाद इनके इन लोग सभी लोगों को मुकदमा दर्ज होगा, ये सभी लोग जेल जाएंगे, तभी लोगों पर कार्रवाई होगी। और बताया जा रहा है कि प्रधान के आदेश के बावजूद ही ये लोग पूरा मकान ढवाए। और आपको बता दें कि जो यादव जी, स्वतंत्र यादव जी जो प्रधान हैं, जो सुधांत यादव जी जो प्रधान जो है प्रतिनिधि हैं, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। और ये दबंग किसी माफिया गिरी के जो लोग हैं, आपको बता दें कि यही मऊ में मुख्तार अंसारी के जो भी दबंग लोग थे उनके ऊपर शासन प्रशासन के लोग, यही मऊ एसएसपी अविनाश पांडे जी और यही डीएम साहब, सभी अधिकारी लोग उनके ऊपर कार्रवाई कराए। जल्द ही कार्रवाई हुई थी मऊ में जो है बीएसएनएल ऑफिस के पास भुजौटी में, और वहाँ मकान जो करोड़ों के मकान की जब्ती हुई थी, उनका पूरा जो है उमेश सिंह जी का पूरा सामान वो कर दिया गया था जब्त, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, सब काम हुई। लेकिन आपको देखना है कि क्या बड़े बड़े लोगों के ऊपर ही काम होगा, मऊ ज़िले में ही काम होगा कि ग्रामीण एरियों में भी शासन प्रशासन के लोग सक्रिय होंगे। वहाँ पर देखेंगे, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से ये मकान किस तरह जो है ढा दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं, उल्टे ही जो पक्ष के लोग हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, और सुपर फास्ट न्यूज ऐसे ही जगह जगह से, उत्तर प्रदेश के जगह जगह से आपको तस्वीरें दिखाता रहेगा, और आप देख रहे हैं कि किस तरह अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। और ये शासन प्रशासन अगर ढाती तो उसमें समझ में आता, ये चंद गुंडे जो उठा रहे हैं, देख लीजिए एप्लीकेशन भी कई जगह दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, ऐसी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश से दिखाते रहेंगे। नमस्कार।